आदरणीय राष्ट्रपति जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, आईआईटी पटना के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन श्री अजय चौधरी जी, आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर अनिल के भौमिक जी, यहाँ उपस्थित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी सदस्यगण, सीनेट के सभी सदस्यगण, रजिस्ट्रार श्री सुभाष पांडे जी, इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, आईआईटी पटना के सभी फैकल्टी मेंबर्स, छात्र छात्राओं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, मुझे आईआईटी पटना के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर बेहद खुशी हो रही है। एक सपना सच होता हुआ दिख रहा है। हम लोगों को जब बिहार के लोगों ने 2005 के नवंबर में काम करने की जिम्मेवारी सौंपी, तो शुरू से ही हम लोगों ने कोशिश की नए संस्थाओं की स्थापना के लिए, और उसमें एक प्रमुख संकल्प था कि पटना में भी आईआईटी खुले। इसके लिए हम लोगों ने कोशिश प्रारंभ की। पहले तो हो ये गया था कि आईआईटी अब कहीं खुलेगा ही नहीं, जितने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं उनको एनआईटी में अपग्रेड किया गया है, अब नए आईआईटी नहीं खुलेंगे। लेकिन बाद में निर्णय हुआ कि नए आईआईटी फिर खुलेंगे और कुछ जगहों पर खोले जाएंगे, तो हम लोगों ने पटना के लिए बिहार सरकार की तरफ से अपनी दावेदारी रखी और कहा कि हर तरह की सहायता हम उपलब्ध कराएंगे, जो भी हमारे ऊपर जिम्मेवारी दी जाएगी उसको पूरा करेंगे, लेकिन पटना में आईआईटी जरूर खुलना चाहिए। प्रयास चलता रहा और बात आई कि जापान के सहयोग से आईआईटी खुल सकता है। मुझे अब भी वो दिन याद है जब जापान के प्रधानमंत्री जी आए हुए थे और अपने प्रधानमंत्री जी ने उनको डिनर पर आमंत्रित किया हुआ था, और उस डिनर में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री जी की तरफ से मुझे भी दावत मिली। हम वहाँ गए, वहाँ पर ये मालूम हुआ कि अब जापान के सामने जो भारत की तरफ से प्रस्ताव है उसमें आईआईटी पटना का अब जिक्र नहीं, तो मैं थोड़ा निराश हो रहा था। और अपने और जापान के प्रधानमंत्री के आने के पहले उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी पहुंच गए थे, हम तो पहुंचे ही हुए थे। मैंने उनको कहा कि भाई आईआईटी पटना पर आपका ध्यान नहीं है, अब जापान की सहायता से ये नहीं खुलेगा, दूसरे राज्य में ये जा रहा है। तो उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने इतना ही कहा, अब वो नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने कहा कि नीतीश जी, आपको जापान की मदद से आईआईटी खुले उसमें रुचि है या आईआईटी में रुचि है? मैंने कहा मुझे, मेरी तो रुचि आईआईटी खुलने में है, और केंद्र सरकार की तरफ से खुले वो ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने कहा चिंता मत करिए, और मुझे खुशी है कि उसके बाद केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि आईआईटी पटना में खुले, और हम लोगों ने वो सब वचन दिया जो आईआईटी में को खोले जाने के लिए जरूरी थे। 500 एकड़ जमीन, बिहार में आबादी का क्या घनत्व है, जो बिहार के लोग हैं उनको तो मालूम ही है। अब आईआईटी पटना में बिहार के बाहर के जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी मालूम हो चुका होगा। 94,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है, और 2011 की जनगणना के मुताबिक 10 करोड़ 38 लाख, फर्टिलिटी रेट 3.7, वैसी स्थिति में लगभग 11 करोड़ पहुंच चुका होगा। एक वर्ग किलोमीटर पर
1100 की आबादी का घनत्व है और पटना के आसपास होना चाहिए, ये शर्त थी। तो कितना मुश्किल काम है, हमने उसे भी कहा मंजूर है और ये जमीन हम उपलब्ध कराएंगे। जबकि आज के युग में, पुराने समय में 500 एकड़ की जरूरत थी, आज के युग में उतना ज़्यादा जमीन की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी IIT का तो अपना रुतबा होता है, IIT ने कहा कि नहीं साहब, इतना तो प्रबंध केंद्र सरकार ने कहा चाहिए। हमने कहा कि वो भी देंगे। फिर बात आई कि भाई ये काम कहाँ से शुरू करेगा, IIT खुलेगा कहाँ? तो हम अपने पॉलिटेक्निक के लिए नई बिल्डिंग बना रहे थे। हमने IIT के लोगों को बुलाया, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लोग आए, उन्होंने देखा उसमें और जो मॉडिफिकेशन उन्हें चाहिए था और जो उन्हें और ज़रूरत, उनकी जो ज़रूरतें थी उस हिसाब से हम लोगों ने वहाँ सब कुछ उपलब्ध कराया और IIT पटना खुल गया 2008। और आज दूसरा कन्वोकेशन, हम डायरेक्टर साहब से यही कहेंगे कि ज़मीन उपलब्ध है और अपने कैंपस में जल्दी से जाइए। दो बैच तो निकल गया, उसने अपने कैंपस को नहीं देखा। अब आप कितने बैच का और दीक्षांत समारोह इस तरह से करा देंगे बगैर वो अपने कैंपस का मुंह देखे? मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो अपना कैंपस बिना देखे निकल रहे हैं, कम से कम कोई स्कीम बना करके उनको बुलाइएगा जब कैंपस पूरा हो जाए, और 2-3 दिन के लिए भी वो कैंपस में रहें, फील करें, ये इंतजाम जरूर कर दीजिए। और ज़मीन का मसला तो आप जानते ही हैं कितना झंझटों से भरा होता है। IIT की ज़मीन में कोई झंझट नहीं, लेकिन कहीं किसी ज़मीन में कोई अधिग्रहण हो रहा है, कोई विवाद हो, तो IIT के ज़मीन में कोई दिक्कत नहीं, उस पर काम मत रोकिएगा। पूरा प्रशासन है, सब लोगों का सहयोग है, लोगों का भी सहयोग है, काम न रुके, काम तेज़ी से हो और आपका काम तेज़ी से हो, इसके लिए हम लोग खुद ज़्यादा उत्सुक हैं कि हम भी वो दिन देखना चाहते हैं कि IIT अपने कैंपस में चला गया, IIT का कैंपस बन गया, और उस दिन हम मानेंगे कि हम लोगों का सपना साकार हुआ। तो हम यही सोचा कि अब और लोग तो निकल कर जा रहे हैं, कुछ जो आज के स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, IIT पटना में काम करने वाले अन्य लोग हैं, सबको ये जानना चाहिए। हम लोगों की ज़्यादा बेचैनी रहती है, इंस्टीट्यूशंस बने, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस का बनना बंद हो गया था और अब मुझे खुशी है कि इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं। यहाँ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, वो झारखंड में चला गया था RIT सिंदरी, लेकिन पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज देश के सबसे पुराने 6-7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक था, इसलिए विशेष तौर पर उसको NIT में अपग्रेड कराया गया था 2002-03 में, और वो अपग्रेड हुआ, IIT का निर्माण हो गया। हम लोग अपने बलबूते पर चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय आपने नाम लिया, लेकिन आर्यभट्ट को भूल गए, सब विज्ञान के छात्र हैं, शून्य आर्यभट्ट की ही देन है। और खगोल विद्या में कितना आगे हम थे, जो आर्यभट्ट ने पृथ्वी का व्यास उस समय मापा था, लगभग वही है आज भी। आर्यभट्ट 1500 साल पहले हुए, यही पटना उनकी कर्म भूमि थी, बगल में खगोल है, आप भीटा में जा रहे हैं उसके बगल में खगोल, वो खगोल शास्त्र के आधार पर ही पड़ा है, वहां उनकी वेदशाला थी, एक वेदशाला तरेगना में जो मसौढ़ी के पास है, तरेगना में, एक सोन नदी के किनारे तरेगना टॉप कहलाता है, वो तीन स्थलों के सहारे ही वो सब कुछ की गणना किया करते थे। और उन्हीं ज्ञान भट्ट के नाम पर हमने यहाँ ज्ञान विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। तो अब यहाँ इंस्टीट्यूशन स्थापित हो रहे हैं और मुझे खुशी है कि ये कोई मामूली बात नहीं है कि आज दूसरा कन्वोकेशन हो रहा है। 5 साल हो चुके, 2008 में स्थापित हुआ,
और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आईआईटी पटना को किसी प्रकार का कष्ट न हो, कोई कमी न हो, और जो भी राज्य सरकार से सहयोग की सहायता की जरूरत होगी, हर संभव सहायता हम लोग प्रदान करते रहे हैं और आगे भी आपको ये सहयोग मिलता रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात हुई है, आईआईटी यहाँ स्थापित हुआ है। आप इसमें और डिपार्टमेंट्स भी खुलने चाहिए, अब जहाँ से आपने शुरू किया वहीं तक है, अब इसको और एक्सपेंड कीजिए, अब तो 5 साल 6 साल हो रहा है, अब इसके आगे जाइए, अनेक विधाओं की यहाँ शिक्षा मिलनी चाहिए, और 500 एकड़ जमीन है आपके पास, कोई मामूली जमीन नहीं है, किसी अन्य आईआईटी से कमतर इसको नहीं होना चाहिए, और हम तो यही आग्रह करेंगे कि इसको और बेहतर बनाइए, आईआईटी के समूह में भी एक उच्च स्थान प्राप्त करे, और जो स्टूडेंट यहाँ से निकल कर जाते हैं वो ऊंचाइयों को प्राप्त करें, मैं उनको बधाई देता हूँ और उनसे एक ही बात कहूँगा कि अपने मूल को मत भूलिएगा, ओरिजिन को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुझको मालूम है आईआईटी से जो निकलते हैं दुनिया भर में उनके लिए अनेक जगहों पर नौकरी के दरवाजे खुले रहते हैं, काम के दरवाजे खुले रहते हैं, लेकिन जहाँ से आप आते हैं और अपने देश के प्रति जो एक जिम्मेवारी का भाव है, इस देश ने अपने सीमित संसाधनों के सहारे आपको उच्च शिक्षा दिलाई, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, जिसने उच्च शिक्षा दी है उसके प्रति कोई प्रतिबद्धता भी होती है, अपने रूट्स को मत भूलिएगा, कहीं जाइए अपना नाम रोशन करिए, अपने परिवार का नाम रोशन करिए, अपने सूबे का नाम रोशन करिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करिए, और जीवन में आप नई बुलंदियों को छुएं, यही हमारी आप सबके प्रति शुभकामनाएं हैं। और एक ही बात अंत में आग्रह करूंगा कि अब महा आदरणीय राष्ट्रपति जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत चीज़ों को समाप्त करवाया, जो एक राष्ट्रपति के साथ कई अलंकरण होते थे, कई चीज़ों को इन्होंने, क्योंकि सही मायने में जमीन से जुड़े राजनेता हैं रहे हैं और आज राष्ट्रपति के आसन पर इतना लंबा अनुभव रहा है राजनीति का, विभिन्न क्षेत्रों का, तो आपने बहुत सारी जो ऐसी परंपराएं जो बोझिल लगती थी उसको आपने बंद किया। हम एक करबद्ध प्रार्थना करेंगे, अब ये कन्वोकेशन में जो ये रोब है इसको कब बंद कराइए, जब कभी, अब इतने हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, सब जगह से न्योता मिलता है, जाते हैं, लेकिन एक बात लगता रहता है, ये फिर रोब पहनना पड़ेगा। हालांकि यहाँ इन्होंने नई शुरुआत की है इस स्कार्प से, अंग वस्त्र से, हम चाहते हैं कि कुछ एक दूसरा रूप हो, और हमारे जो स्टूडेंट हैं डिग्री मिलने की खुशी में इसको उछालते हैं, तो ऐसी कोई टोपी उन्हें दे दीजिए, कोई हिंदुस्तानी टोपी दे दीजिए, उसी को फेंकेंगे, कोई पगड़ी उनको पहना दीजिए आज के दिन विशेष तौर पर, उसी में उनको आनंद आता है तो वो करेंगे, लेकिन ये जो इसको हम कहेंगे ये जो रोब है ये भारी भरकम, तो इसमें भी कुछ ना कुछ हम आदरणीय राष्ट्रपति जी क्षमा करेंगे, हमने सोचा कि आप बहुत चीज बदल रहे हैं तो शायद आपके कार्यकाल में यह भी बदल गया। मैंने बहुतों से चर्चा की तो लोग कहते कि नहीं साहब ये तो बड़ा शानदार लगता, तो बहुत लोगों से तो हम कह भी नहीं सकते, लेकिन आपसे ही हमने सोचा कि जरूर अनुरोध करें कि इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं आप सबको अपनी ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ, और आईआईटी पटना को सहयोग मिला है, आगे भी किसी भी प्रकार का आईआईटी पटना के डायरेक्टर के लिए हमेशा हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, किसी प्रकार की समस्या हो हम उसको दूर करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, हमारा कार्यालय लगा रहता है, हमारे सरकार के सभी मुख्य सचिव से लेकर सब आपको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, लेकिन वही मैं दोहरा कर कहूँगा कि जल्दी अपने कैंपस में जाइए, इसलिए नहीं कि आपको पॉलिटेक्निक के इस बिल्डिंग से निकालना हम चाहते, आपको कुछ दिन तक उसको रखने की इच्छा हो तो एक आध साल रखे रहिए, लेकिन ले जाइए कैंपस में, वहाँ का एक अलग वातावरण होगा, इस छोटे से इलाके में रहते हुए
IITian हैं ये लोग, आपस में जुड़े रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय राष्ट्रपति जी का अपनी तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से और बिहार के लोगों की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं शुक्रगुजार हूं कि वो आए, राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीने के अंदर, पिछले साल भी अक्टूबर महीने में आए थे और इस साल भी संयोग है कि फिर अक्टूबर महीने में आए हैं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से मैं यही कहूँगा कि साल में आपको बार बार आइए, लेकिन साल में एक बार कम से कम जरूर आइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।